वालेकुम। टॉपिक है हमारा जब लोग आपके साथ बुरा करते हैं। तो ऐसा ही है, कुछ लोग जब आपके साथ बुरा करते हैं तो वो इस गुमान में मुब्तला हो जाते हैं कि अब आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो उन्हें इससे गुमान में मुब्तला रहने दीजिए और आप एक लंबी खामोशी अख्तियार कीजिए। सब कुछ अपने रब पर छोड़कर फिर देखें कि देखिएगा कि कैसे आपका मामला अर्श वाले की अदालत में दर्ज किया जाएगा। फिर सुनवाई भी अर्श पे होगी और फैसला भी अर्श वाले का आएगा। जो लफ्ज़ों से घायल करे वो ज़ख़म बेजुबान ही नहीं रह जाते हैं। जो ख़त्म कर दे अंदर तक वो खामोश लबों की आंखें सजदा गूंजती हैं। और फिर देखना वो रब कैसे आपकी आंखों को समंदर उनकी आंखों से बहाएगा, वो आपके ज़ख्मों के निशान कैसे उनके सीने पर छोड़ेगा, वो आपके साथ होने वाले हर मामलात को कैसे उनके साथ दोहराएगा। आप जान भी नहीं सकते वो रब कैसे आपको इंसाफ दिलवाएगा। वो ना था अनजान तुम्हारे किसी भी रंजो गम से कभी, वो देख रहा था अपनों से की ज्यादती अपनों ही की। वो देगा बदला दो गुना तुम्हारे सबर का तुम्हें, वो रहने ना देगा कुछ उनका भी कभी। मकफात अमल अटल है जिसका बदला दुनिया में ही चुकाना पड़ता है। इसकी कोई माफ़ी नहीं जो कोई किसी के साथ बुरा करके ये गुमान करता है कि अब उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये याद रखें, वो इंसान तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन उसका रब आपका कुछ भी रहने नहीं देगा। कमज़ोर वो हो सकता है, उसका रब नहीं। रब की लाठी बहुत बेआवाज़ है, फिर जब पड़ती है ना तो बंदा दोबारा उठ नहीं सकता।